वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार से झटपट से बन के रेडी होने वाली कुरकुरी भिंडी की रेसिपी। क्रिस्पी भिंडी फ्राई हम यहाँ पे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे भिंडी फ्राई बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम भिंडी, जिसे मैंने इस तरह से बारीक से लंबे लंबे से कट कर लिए हैं। और फिर इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नींबू, आधा नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने से इसका जो चिपचिपापन होता है, फिर स्लिमनेस जो होती है वो इसमें कम हो जाता है। फिर साथ में ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चला जाएगा इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर हम इसमें डाल देंगे आमचूर का पाउडर, आधा छोटा चम्मच है। साथ में ही डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर है। नमक डाल देंगे अपने ज़रूरत के मुताबिक। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब मसाले अच्छे से भिंडी में कोट हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन हम डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच। साथ में ही हम डाल देते हैं चावल का आटा 2 चम्मच। चावल का आटे से ही भिंडी क्रिस्पी बनेगी, तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसे स्किप नहीं करेंगे। और फिर इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। पहले हम पानी नहीं मिलाएंगे, पहले सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, लाइक 1-1 चम्मच हम पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिला दें। तीन से चार चम्मच के हिसाब से पानी ही ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और सब चीज़ अच्छे से भिंडी में बाइंडिंग हो जाए। बस देखिए मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये इंस्टेंट बन के रेडी होने वाली रेसिपी है। फ्राई करने के लिए तेल मैंने गर्म कर लिया है, चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल और गर्म होगा। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसे स्प्रेड करते हुए डालेंगे। एक बार में ज़्यादा भिंडी ऐड नहीं करेंगे, वरना ये एक दूसरे में चिपक जाएगा। बस इस तरह से हम भिंडी को ऐड कर लेते हैं और इसे फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी फ्राई ना हो जाए। बस चलाते हुए इसे हम फ्राई करते जाएंगे। यह आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट फ्राई होने के बाद लगभग भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे रिमूव कर लेंगे। इसी तरह से बैच वाइज सब भिंडी को हम फ्राई करते जाएंगे।
इसी तरह से सारे भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया है। तो बस भिंडी फ्राई रेडी है, अब हम इसका प्लेटिंग कर लेंगे। ये वाली रेसिपी वेरी सिंपल है और मज़ेदार सी बनती भी है। प्लेटिंग के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रे ले लिया है, बस इसमें मैं डाल रही हूँ फ्राई की हुई भिंडी। आप अगर वेजिटेरियन है, स्पेशली किसी ओकेशन पे, आप इस रेसिपी को एज ए वेज स्टार्टर भी इसे सर्व कर सकते हैं। बस हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे प्याज से। आप अगर स्टार्टर के हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो सिंपल से दाल चावल के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। ये वाली रेसिपी बनाने के लिए सिर्फ 5 से 6 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।